खुश नसीब है वो जिन्हें ऐसी खूबसूरती का नजारा मिले। एक तरफ है घने जंगल, दूसरी तरफ है लहरीले पहाड़ और आगे हरियाली ही हरियाली। I'm in the land of India's best kept secret, Odisha, where I'm going to be chasing different colors of this beautiful destination, from the mighty jungles to the ancient temples, beautiful beaches, showcasing you the culture and history through a span of 7 episodes, just like the 7 colors of a rainbow. Only because I love my Odisha. फ्लाइट के बाद मैं पहुंच चुकी हूं उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में, पर ये तो बस शुरुआत है, बिकॉज मैं जा रही हूं एक खूबसूरत से रोड ट्रिप पर उड़ीसा की कुछ मशहूर शहरें और अनएक्सप्लोर्ड जगहों का नजारा सिर्फ आपको दिखाने इन द स्पैन ऑफ दी 7 एपिसोड्स। सो हॉप ऑन विद मी व्हाइल आई एक्सप्लोर उड़ीसा ऑन व्हील्स। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल सिटी, जिसे इंडिया की टेंपल सिटी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिक एंड एंशिएंट टेंपल्स, इट्स बसलिंग, लाइवली एंड रिच इन कल्चरल लाइफ दैट स्टिल मार्क द पिलर्स ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द ईस्ट। सो भुवनेश्वर एज अ डेस्टिनेशन हैज अ होस्ट ऑफ होटल ऑप्शंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैवलर्स कमिंग टू द सिटी। आई ऑप्टेड टू स्टे एट द वेलकम होटल भुवनेश्वर, व्हिच हैज अ रॉयल टच ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट टेंपल्स। अब चेक इन के बाद भूख तो बहुत लगी थी, सो आई डिसाइडेड टू इंडल्ज इन एन ऑथेंटिक एंड फ्लेवरफुल उड़िया थाली बिफोर आई हेड आउट टू एक्सप्लोर द सिटी। इंटरेस्टिंगली उड़ीसा की हिस्ट्री 3 सक्सेसिव रूल्स ऑफ डायनेस्टीज का अमेलगमेशन रह चुकी है, जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। और मेरे पीछे है उड़ीसा का आइकॉनिक धौलीगिरी शांति स्तूपा। इट इज बिलीव दैट इट वाज हियर वेयर एम्परर अशोका लेड डाउन द वेपन्स ऑफ वायलेंस फ्रॉम द कलिंगा वॉर एंड एक्सेप्टेड द लाइफ ऑफ अहिंसा इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। Now to give you a slice into the Jain culture of Odisha, मैं पहुंची हूं उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। उदयगिरी के अंदर 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी के अंदर 15 गुफाएं हैं, और ये सारी गुफाएं उड़ीसा के जैन रॉक आर्किटेक्चर को सिंबलाइज करते हैं, और एक जमाने में यहां पे काफी सारे जैन मॉन्क्स आकर मेडिटेशन भी करते थे। ये पहाड़ है उदयगिरी और दूसरे पहाड़ के नाम है खंडगिरी, लेकिन ये पहाड़ के अंदर आप लोग जितना केव्स देखने के लिए आए हैं, उनको बनाए थे कलिंग का राजा खारवेल, जो चेदिवंश का राजा थे, उन्होंने बनाए थे 2nd century BC के टाइम में। यहाँ पर जैन धर्म की जो साधु लोग होते हैं, तीर्थंकर जो बोलते हैं, चबीश भगवान, उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए इस गुफा बनाए गए थे। ये मेरी पीछे तरफ जो गुफा देख रहे हैं, इसका नाम है रानी गुफा, 2 मंजिल गुफा कहते हैं। टोटल इसी पहाड़ के अंदर 18 गुफा देखने मिलेंगे, और दूसरे पहाड़ के अंदर जो खंडगिरी रहते हैं, खंडगिरी में 15 गुफा देखने मिलेंगे। Wow, so this is what you call as a man-made marvel. I can't believe ki ye sare sculptures khud haathon se engrave kiye gaye the at a time when there were no heavy equipments that were used. Unbelievable. आपको पता है भुवनेश्वर को द टेंपल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 700 से भी ज्यादा एंशिएंट टेंपल्स हुआ करते थे, और उनमें से कई सारे एंशिएंट टेंपल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वन ऑफ देम बीइंग द मुक्तेश्वर टेंपल। ये एक 10th century old टेंपल है, और ये मंदिर उड़ीसा के रिच हिंदू कल्चर और हिस्ट्री को बोस्ट करता है।
साथ साथ शॉपिंग किसे पसंद नहीं। मैं पहुंची हूं उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस मार्केट प्लेस जिसे कटक मार्केट कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी सिल्वर सिटी ऑफ उड़ीसा एज इट्स फेमस फॉर इट्स आर्ट वर्क ऑफ सिल्वर फिलिग्री जिसे यहाँ पे चांदी ताराकाशी भी कहते हैं। और मैंने सुना है कि ये सिर्फ उड़ीसा में ही बनता है। मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो यहाँ के लोकल ज्वेलर से जाके पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सिल्वर फिलिग्री। डेढ़ हजार सालों से यहाँ पर सिल्वर फिलिग्री का काम होता आया है। मंदिरों में इसकी संस्कृति चल रही है। जैसे यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है। दुर्गा पूजा में पंडाल जब बनते हैं तो बैकड्रॉप्स इसी के फिलिग्री के ही बनते हैं। देवी के जितने मुकुट होते हैं, गहने होते हैं, सब सिल्वर फिलिग्री के होते हैं। फिलिग्री में के लिए चांदी के बड़े बार्स को मेल्ट करवा करके महीन तार बनाए जाते हैं। इन महीन तारों को हाथों से ही तैयार किया जाता है। एक मेश पर, वायर के मेश पर रख करके उनको आपस में जोड़ा जाता है और हाथों से ही झलाई की जाती है। इट इज़ डन ओनली इन ओडिशा एंड दैट टू बाय वेरी लिमिटेड क्राफ्ट्समैन। कान के 400 रुपया से लेकर के शुरू होते हैं, 4000 तक भी मिल सकते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वेट। So those were some interesting facts about silver filigree. आम दिन पर तो ये बाजार बहुत ही भीड़ से भरा होता है, but today being गुरुवार, उड़ीसा में गुरुवार को लक्ष्मी का वार माना जाता है, so people don't believe in going shopping. Well, बाजार तो खाली है और अब मेरा पेट भी बहुत भूख लगी है. So I'm going to go freshen up and head to enjoy some delicious Odia cuisine. So follow me. So this is Nimantran restaurant. ये उड़ीसा की first ever ओडिया cuisine restaurant है यहाँ भुवनेश्वर में, which is run by OTDC. देखकर तो यहाँ का खाना काफी अलग लग रहा है. So let me find out what the speciality of this place is. इसको बोलते हैं कुरमुरा मटन, मतलब हिंदी में. क्या नाम है? मूढ़ी मटन. ये हमारा बारीपदा डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस है. ये काकरा घुगनी है मैम, बटर सूजी के साथ मैश करते, थोड़ा सा शुगर डालते और उसको मैम डीप फ्राई करते काकरा, और ये घुगनी जो है मैम उसके साथ शूट होता है पूरा. एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑथेंटिक डेलिकेसीज, निमंत्रण इज नोन फॉर मॉडर्नाइजिंग फ्यूजन डिशेस एज वेल. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग मटन विद पफ्ड राइस, जिसे कुरमुरा भी कहते हैं, रायते के साथ. सो क्वाइट फैसिनेटिंग. Wow, it actually tastes really nice. The crunchiness of the kurmura along with the soft mutton goes perfectly well. Well, I'm ending the day enjoying this delicious and authentic chena poda. Tomorrow, I'm going to be leaving for Puri. So stay tuned for all the 7 episodes. Puri Missy, bye-bye.